दोस्तों, एक तो एमएलएम इंडस्ट्री पहले से काफी ज्यादा बदनाम है और ऊपर से रोज नई नई स्कैमर कंपनीज आकर के इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बदनाम कर रही हैं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरे को एक कंपनी की तरफ से इन्विटेशन आया था एज अ ब्रांड प्रमोशन के लिए। हम गए और वहां जाकर के पता चला भाई ये तो एक एमएलएम कंपनी है, तो हमने वहां से कल्टी मार ली, वहां से वापसी आ गए। उस कंपनी के ऊपर मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि यार ये एक स्कैम करा, इन लोगों ने झूठ बोला, फ्रॉड करा। बहरहाल, अभी रिसेंटली सेम काइंड ऑफ कंपनी ने मेरे एक फ्रेंड के साथ स्कैम किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा 1 लाख रुपए का चूना उस बंदे को लगा है। तब मेरे माइंड में आया यार, जब मेरा दोस्त जिसको पता है कि प्रशांत शर्मा एमएलएम कंपनीज के ऊपर रिव्यू करता है और बताता है कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है, अगर उसके साथ स्कैम हो सकता है, उस आम जनता का क्या हाल होगा जिसको पता ही नहीं है कि एमएलएम इंडस्ट्री क्या चीज है या ये स्कैमर्स किस तरीके से स्कैम करते हैं। तो चले दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रशांत शर्मा आप सभी को बताऊंगा एक ऐसी नई कंपनी के बारे में जो मार्केट के अंदर स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है और भोली भाली जनता को जॉब के नाम पर पागल बना रही है। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, कंपनी का नाम है न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का अगर आपको भी कभी इनविटेशन आया हो तो आप जानते होंगे ये लोग किस तरीके से इनवाइट करते हैं। सबसे पहले इन लोगों का काम है आपको सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट करना। उससे पहले सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ ही कनेक्शन बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका बिलीव इन लोगों के ऊपर आ पाए। और जैसे कि मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ और मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को जिस बंदे ने बताया था वो मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था एंड उसके थ्रू वो ये प्रमोशन मेरे पास आया था। सेम जो दोस्त मेरे जिस दोस्त के साथ मेरे स्कैम हुआ है उसको भी जो बताया उसकी सिस्टर ने बताया था। अब ये चीज चलती कैसे है? इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद यहां सबसे पहली चीज होगी कि भैया एक जॉब का अपॉर्चुनिटी आई है, जॉब है जहां आदमी खाली बैठा है, उसके पास काम नहीं है और अगर वहां उसे 20-25 हजार रुपए की सैलरी मिल रही हो और वो भी क्या सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद, तो कितना आदमी इजीली कन्विंस हो सकता है इस चीज को लेकर के कि यार हाँ चलो एक बार तो चलकर देख ही लेते हैं, इंटरव्यू तो दे ही लेते हैं या ट्रेनिंग तो दे ले ही लेते हैं। 4 दिन में क्या जा रहा है आदमी का ना। ऊपर से जब उसको पता है कि भैया मेरे को जहां 1 रुपए की अर्निंग नहीं हो रही है वहां 20 से 25 हजार रुपए मिनिमम अर्न कर सकता हूँ। सो मोस्ट ऑफ दी कम्युनिटी यहाँ पर कन्विंस हो जाती है। अब कहानी कहाँ आती है, जब ये लोग आपको इनवाइट कर लेते हैं, आप इनके सेंटर्स पे चले जाते हैं, वहां पर ये आपको रूम्स में स्टे कराते हैं। ठीक, आपको स्टे कराया, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट किया गया, आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा जो कि एक प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन या केवाईसी फॉर्म होता है। उस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं उसका फी अराउंड 3500 to 4000 रुपये करीब रहता है, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को छोड़ करके जाते हैं तो ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। और आई थिंक सम काइंड ऑफ क्लॉज होता है कि ये पैसे जो है बेसिकली आप जो जमा कर रहे हो ये आपके रूम रेंट के लिए है, फलाने ढिनके के लिए है, जो कि आपको वापसी नहीं होगा। ठीक, अब यहां पर एक बहुत ही तगड़ी चीज है, रुपए तो आपसे ले लिए, अब रुपए दे लेने के बाद भी जो आपको सर्विसेज मिलती है वो बहुत ही लाजवाब वाली नहीं है। एक एक कमरे में कई कई लोग रह रहे हैं, मतलब लाइक अ पीजी, एक एक कमरे में जब दो दो तीन तीन लोग रहते हैं ना पीजीज में, और खाना जिस क्वालिटी, सेम काइंड ऑफ थिंग ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका फर्स्ट डे आप जाते हैं, कंपनी के बारे में ब्रीफिंग होती है और उससे पहले जब ये आपको इनवाइट करते हैं, सबसे बड़ी चीज कंपनी की सही डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं करते कि भैया कंपनी का नाम क्या है, कंपनी करती क्या है। बस आपसे कहेंगे आप आ जाइए, 4 दिन का ट्रेनिंग है, या कंपनी के बारे में कि भाई यहां करके आपको पता चल जाएगा, सारा कुछ होगा, आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, फलाना कराया जाएगा, ढंगा कराया जाएगा। जो मेरे दोस्त के साथ स्कैम हुआ उसकी बहन को पहले इन लोगों ने कन्विंस किया एंड बहन ने, भैया कोई भी भाई हो अपनी बहन का बिलीव तो करेगा ही कि भैया बहन कर रही है तो क्यों ना करा जाए। तो आप गए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, आदमी सोचते हैं 3500 रुपये ट्रेनिंग के लिए देना है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज आपके माइंड को यही अलर्ट हो जाना चाहिए कि भैया ऐसा कुछ भी हो रहा है, पैसा डिमांड किया जा रहा है जॉब के लिए, तो समझ लीजिए जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंड तब भी अलर्ट नहीं हो रहा है तो इसके बाद जब आप फर्स्ट डे अपने सेशन में जाते हैं, जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सिस्टम के साथ, तो वहां पे बताया जाता है कि भैया ये जो काम है वो कोई आपका ऐसा वैसा काम नहीं है, ये सिस्टम है, आपको सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, आदमी सोचता है हाँ भाई चलो
हर कंपनी के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। देन उसके बाद यहां पर आपको कहते हैं ना कि एक एटमोसफेयर ऐसा बना करके दिया जाता है, ये सीनियर है, इसको आपने तवज्जो देनी ही है, इसको आपने रेस्पेक्ट देनी है। आप अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पे भी इनके बारे में जब सर्च कर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत ही छोटी छोटी एज के बंदे, 18, 19, 20, 25 साल के लोगों को पैर छुआए जा रहे हैं, जो कि टोटली नॉनसेंस वाली चीज है। आप किसी भी कंपनी में हो, आप अपने सीनियर को ग्रीट कर सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं, सर कह करके संबोधित कर सकते हैं, पैर कहीं नहीं छूओगे, ठीक है। देन उसके बाद भी सेकेंड डे में आपको बताया जा रहा है कि भैया ये आपकी जॉब नहीं है, ये आपका बिजनेस है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद तीसरे दिन आते आते तक, जब तक आपको चीजें समझ में आने लगती हैं, तब जाकर के आपको बताते हैं कि भैया जो आपकी अर्निंग होगी वो कब होगी, जब आप 3 से 4 लोगों को काम कराओगे। और यहां पर जाकर के वो आपको बताते हैं कि भैया आप दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े लोगों को देख लें, आपको पता चलेगा कि अच्छी अर्निंग वो ही कर रहा है जिसके लिए लोग बाग काम कर रहे हैं। जो लोगों के लिए काम कर रहा है वो नहीं, जिसके लिए लोग बाग काम कर रहे हैं वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या आपके कोई भी गांव का, शहर का कॉन्ट्रेक्टर है, कोई भी है, उसके लिए लोग बाग काम कर रहे हैं, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स देकर के ये आपके माइंड सेट को बदलने की कोशिश करते हैं, और आपके दिमाग में ये बैठाया जाता है उस पूरे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर, उस 4 दिन का ट्रेनिंग सेटअप के अंदर, कि भैया आप जब लोगों को इनवाइट करोगे, जब लोग आपके अंदर काम करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। जब आदमी के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 50-70% लोग यहाँ पे कट डाउन कर देते हैं और सोचते हैं कि यार चलो 3500 गए गए, लेकिन ये चीज अपन नहीं कर पाएंगे। बट तब भी कुछ लोग सोचते हैं चलो यार 3500 दिए तो एक दिन और रुक जाते हैं, 3 दिन तो निकाल ही लिए, चौथे दिन जाकर के यहाँ पता चलता है कि सिर्फ आपकी ये 3500 देने से ही बात नहीं बनेगी, ये 4 लोग ज्वाइन कराने से ही काम नहीं चलेगा। आपकी जो अर्निंग होगी वो तब होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कंपनी के अंदर, जिसके अंदर मिनिमम जो आपको पे करना है वो 10,000 रुपये है, और अगर आपने अच्छी खासी अर्निंग करनी है और बड़ा आदमी बनना है, अपने नीचे गाड़ी लेके आनी है, बड़ी लग्जरी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी बड़ा करना पड़ेगा। कैसे? मिनिमम मिनिमम 50,000 रुपये से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जिन लोगों को भी आप ज्वाइन करा रहे हैं उनको भी 50-50 हज़ार से ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब जो चौथे दिन तक रुक चुका है उसमें से आप ये मान के चलिए 30-40% लोग तो ऐसे हैं एटलीस्ट जिनका माइंड सेटअप हो चुका है, अब उनके दिमाग में ये चीज फीड कर दी गई है कि कैसे भी ना कैसे करके आपको ये 50,000 रुपये वाला पैकेज लेना ही लेना है। अगर आपने ये ले लिया तो फिर आपकी लाइफ सेट है दोस्तों। ये